हेलो गाइस, दिस इज माय लाइफ एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस न्यू व्लॉग को। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मेरे आज ये व्लॉग आ रहा है क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्जाम चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाता है तो और भी व्लॉग्स आएंगे। इसी तरह आज हम लोग आए हैं रुद्राक्ष में, कम्युनिटी सेंटर ऑफ बनारस। आप लोग देख ही रहे हैं, रुद्राक्ष में आए, ये है कम्युनिटी सेंटर ऑफ बनारस। हम लोग आज आए हैं इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है आर्ट एग्जीबिशन। तो हम लोग को आज से पहले कभी मौका भी नहीं मिला था अंदर जाने का, आज हम लोग को मौका मिला है, कॉमन पब्लिक भी जा रही है अंदर। सो हम लोग चलते हैं अंदर और करते हैं अपने ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट। मदर इंडिया काफ़ी सारी पेंटिंग्स है, बट यहाँ पे हम लोग को थोड़ा शोर करना अलाउड नहीं है। सो पहले रिकॉर्डिंग करते तो फिर घर चल के आपको प्रॉपर इसकी डिटेल्स आपको घर चल के देता हूँ, मतलब साउंड खाली डाल दूँगा क्योंकि काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी है, टाइम की भी शॉर्टेज है थोड़ा हम लोग को, और शोर नहीं करना है यहाँ पे। सो करते हैं इसी के साथ जर्नी को यहीं पर पेंटिंग की स्टार्ट। सो मुझे दिखाने के लिए काफ़ी सारी पेंटिंग्स है, बट अगर मैं सारी की डिटेल देने लगूँ तो हो सकता है 30 से 40 मिनट का वीडियो बनी जाए आराम से। सो मैंने इसमें से टॉप 5 को सेलेक्ट किया है उसकी डिटेल देने के लिए। और अभी जो हम लोग के सामने पेंटिंग है ये दर्शा रही है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि चला था 1942 से लेकर के 1947 के बीच में, मतलब ये 5 साल का टाइम पीरियड था इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ, वो भी देखते हैं हम लोग। और ये पेंटिंग हम लोग को बताना चाह रही है कि फार्मर्स जो भी हैं, हम लोग एक कंट्री के मेन सोर्स है फूड के, और ये जो लेडी जस्टिस सिंह ये बता रही कि एक सिस्टम की नीड है जिससे कि फार्मर्स की हेल्प हो सके, जो कि वेदर कंडीशन ऐसी आती है जिसमें उनको दिक्कत होती है और जो डीलर्स आते हैं उनके पास परचेज करने, उन चीज़ों में फार्मर्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिस्टम की नीड है, यही पेंटिंग बताना चाह रही है हम लोग। और ये पेंटिंग हम लोग से कह रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां जो भी है देश की वो लड़कों से कम नहीं है, वो भी लड़कों की तरह हर काम में सक्षम रहती है, यही पेंटिंग कहना चाह रही है। अब ये जो पेंटिंग है ये हम लोग कहना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है और एग्ज़ाम देना भी काफ़ी ज़रूरी है एक इंसान को, और जो लोग एग्ज़ाम को देख के आने वाला पैनिक हो जाते हैं, कहना चाह रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ऐसा चाहिए कि आप लोग के सामने जब कोई भी इम्तिहान ऐसी घड़ी आए तो आप लोग को खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, ये कहना चाह रही पेंटिंग। ये पेंटिंग कह रही है मेरा भारत महान, क्योंकि इंडिया में आप लोग जानते हैं इसकी नेचुरल प्लेसेस और इसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस को देख के काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। सो ये कह रहे हैं कि भारत को आशीर्वाद है इसकी नेचुरल प्लेसेस का और हिस्टोरिकल प्लेसेस का, जो कि लोगों के मन पे एक छाप छोड़ जाता है। सो ये पेंटिंग कहना चाह रही है। यहाँ पर कितनी सारी पेंटिंग्स, एक बार लाइन से दिखा दे रहा हूँ पेंटिंग्स कितनी हैं, दिखाता हूँ पहले। अभी हैं हम लोग ये लास्ट पेंटिंग पे, ये लास्ट पेंटिंग से स्टार्टिंग तक की दिखाते हैं कितनी लाइन से है पेंटिंग्स यहाँ पे। अभी सार्थक के साथ एक सीन हो गया पेंटिंग टच पेंटिंग के साथ फोटो खिंचवाया था, गार्ड अंकल आगे चिल्लाने लगे सार्थक को देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाहर, और अंदर ज़्यादा लाउड नहीं बोला था क्योंकि है कम्युनिटी से एकदम शांति, वहाँ जाके हम लोग एकदम शांति मिली, ज़ोर से बोलना अलाउड भी नहीं था और हम लोग को अच्छा भी नहीं लग रहा था ज़ोर से बोलने में। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख ही लेंगे पेंटिंग, तो लास्ट में शॉर्ट जाएगा, मैं सारी डिटेलिंग कर दूंगा वही घर पहुंच के, ऑडियो डाल दूंगा अलग से। सो चलते हैं घर, नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस था ये हम लोग का, है ना,
कैसा लगा अंदर आके? काफी अच्छा, मुझे तो बस शांति लगी, लेकिन पेंटिंग्स जो भी थी ना उसकी डीप मीनिंग निकल रही थी, डिटेलिंग बगल में दी हुई थी, उतना मैं बताऊंगा आपको अच्छे से घर पहुंच के बता दूंगा, डिटेलिंग कर दूंगा। साइकिल तुम्हारी है ना पार्किंग में? गाड़ी पार्किंग में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये सार्थक अपनी हायाबुसा लेने जा रहे हैं। पार्किंग पार्किंग भी यहाँ पे काफी अच्छी दी हुई है, काफी बड़ी पार्किंग है यार, कम्युनिटी सेंटर है भाई साहब। हायाबुसा एक राइड मिलेगी हायाबुसा की? नहीं यार, बहुत मुश्किल है इसकी राइड। मुश्किल है राइड, जाओ धूम मचाले स्टार्ट करो। सो गाइज, उम्मीद है आपको हमारे प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया, पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में। निकालो हायाबुसा, चलो चलो हायाबुसा चलते हैं, करते हैं अपने ब्लॉग एंड। टाटा बाय, शुक्रिया, शब खैर। तो गाइस अंदर हैंडमेड पेंटिंग थी, लेकिन यहाँ देखिए डिजिटल पेंटिंग्स है। डिजिटल पेंटिंग्स? पेंटिंग क्या? फोटोग्राफी है। हाँ, फोटोग्राफी।